बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ख़राब यूएसबी को किस तरह ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले अपने स्टार मेन्यू में जाना है। यहाँ सर्च बुक्स में आपने लिखना है रन RUN, रन लिख के इंटर करना है। ये रन बुक्स आ जाएगा। यहाँ CMD आपने लिख देना है। इंटर कर देना है। तो ये वाली ऑप्शन CMD कमांड की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। यहाँ आपने लिखना है डिस्क पार्ट, DISKPART, डिस्क पार्ट लिखकर एंटर कर देना है। तो ये दूसरी वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने पहली वाली विंडो को ख़त्म कर देना है। यहाँ आपने लिखना है लिस्ट डिस्क, LIST, लिस्ट स्पेस देनी है, फिर लिखना है डिस्क, DISK, डिस्क लिख लिस्ट डिस्क लिखकर आपने इंटर कर देना है। तो ये देखें दोस्तों, ये मेरी 4 GB की USB है और ये मेरी हार्ड ड्राइव है। ये डिस्क 1, ये डिस्क 0 मेरी हार्ड ड्राइव है और ये वाली डिस्क 1 ये मेरी USB डिस्क है। तो यहाँ मैं लिखूँगा, इस ऑप्शन में मैं लिखूँगा सेलेक्ट डिस्क 1, SELECD स्पेस देनी है, फिर लिखना है डिस्क, DISK, डिस्क स्पेस 1 लिखकर आपने इंटर कर देना है। तो ये देखें दोस्तों, ये लिखा है, ये ऑप्शन आ गई है डिस्क 1 इज नाउ दिस सिलेक्टेड डिस्क। अगली ऑप्शन में आपने लिखना है कलीन, CLEAN, क्लीन लिख के आपने इंटर कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, डिस्क पार्ट एक्सेसिड इन क्लीनिंग द डिस्क, ये क्लीन हो चुकी है। अगली ऑप्शन में आपने लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, ये आपने लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, क्रिएट CREATE, क्रिएट पार्टीशन PARTITION, पार्टीशन प्राइमरी PRIMARY, प्राइमरी लिखकर आपने एंटर मार देना है, एंटर को प्रेस करना है। ये देखें दोस्तों, ये डिस्क पार्ट एक्सेसिड इन क्रिएटिंग, ये बता रहा है कि आपकी पार्टीशन बन चुकी है। अगली ऑप्शन में आपने लिखना है सेलेक्ट पार्टीशन 1, यहाँ आपने लिखना है सेलेक्ट पार्टीशन 1,
इस ऑप्शन में लिखना है सिलेक्ट पार्टीशन वन, ये लिखा हुआ है सिलेक्ट SELECT सिलेक्ट पार्टीशन वन PARTITION पार्टीशन वन लिखकर आपने इंटर प्रेस कर देना है। ये आपने इंटर प्रेस किया तो पार्टीशन वन इज नाउ द सिलेक्टेड पार्टीशन, ये ऑप्शन लिखी हुई आ गई। अब आपने इस अगली ऑप्शन में लिख देना है एक्टिव ACTIVE ACTIVE एक्टिव लिखकर आपने इंटर प्रेस करना है तो डिस्क पार्ट मेक इट द करंट पार्टीशन एज एक्टिव, एक्टिव हो चुकी है। अब अगली ऑप्शन में आपने यहाँ USB को फॉर्मेट करना है तो यहाँ आपने लिखना है फॉर्मेट FS बराबर FAT32, ये लिखकर आपने इंटर प्रेस कर देना है। ये आपने लिखा फॉर्मेट FORMAT फॉर्मेट स्पेस देनी है, फिर लिखना है FS इक्वल फॉर्मेट FAT FAT32, आगे लिखना है क्विक, इसका मतलब भी जल्दी USB को फॉर्मेट करना। तो आपने इंटर प्रेस कर देना है। ये देखें दोस्तों, ये जीरो ऑप्शन से USB को फॉर्मेट कर रहा है, ये फॉर्मेट हो चुकी है। देखें डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेट दिस वॉल्यूम। आगे आपने इस अगली ऑप्शन में आपने लिखना है असाइन ASSIGN, साइन लिखकर आपने इंटर कर देना है। फिर अगली ऑप्शन में आपने लिख देना है इजेक्ट EXIT, इजेक्ट लिखकर आपने इंटर प्रेस करना है तो आपकी ये USB फॉरवर्ड हो चुकी है। तो ये देखें दोस्तों, ये USB फॉरवर्ड हो चुकी है। अब इसमें कोई भी चीज पेस्ट करते हैं तो ये पेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह आप अपनी USB को आसानी के साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी जो खराब USB होगी इसे आप आसानी से इस तरह ठीक कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए आप इसे आसानी के साथ अपनी USB को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी अर्ज है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।